साथ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर बानसूर से। बानसूर राज्य सरकार के निर्देशानुसार कस्बे के आरसीआई सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के 900 विद्यार्थियों में से 700 विद्यार्थियों के कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई गई। विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों में किसी प्रकार की कोई परेशानी तथा बाधा नहीं आई। इसको ध्यान में रखते हुए श्रीमान उपखंड अधिकारी मानसूर तथा जिला कलेक्टर अलवर के दिशा निर्देश अनुसार विद्यालय स्तर पर ही विद्यार्थियों को कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन की प्रथम डोज लगवाई जा रही है। बीसीएमओ मनोज कुमार यादव तथा प्रभारी राजू कुमार ने संस्था के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था करवाई। इसके लिए संस्था निदेशक ने बीसीएमएचओ तथा उनकी समस्त टीम को धन्यवाद दिया। संस्था निदेशक डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि शेष रहे विद्यार्थियों को वैक्सीन सोमवार को लगवाई जाएगी और वैक्सीन लगवाने के उपरांत सभी विद्यार्थियों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। इस अवसर पर संस्था प्रधानाचार्य लक्ष्मण प्रसाद सैनी, प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार शर्मा तथा बानसूर अस्पताल से संपूर्ण टीम उपस्थित रही। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, इसी दौरान मैंने भी अपना वैक्सीनेशन पूरा करा लिया है और मैंने भी वैक्सीन लगवाई है और मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं आई है और परेशानी नहीं है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी वैक्सीन कराएं और अपने आप को एक कोरोना वॉरियर बनाएं। आज हमारे सीएसओ के अंदर कोरोना वैक्सीन के लिए अरेंजमेंट किया गया है। मैंने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है और जिसमें हमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है और 2 सेकंड में वैक्सीन लग जाती है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे गवर्नमेंट ये रूल बनाने वाली है कि जिन बच्चों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है उन लोगों को घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है, इसलिए आप सभी लोग भी जल्द से जल्द अपनी कोरोना वैक्सीन। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार श्रीमान जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी महोदय के दिशा निर्देश अनुसार आज विद्यालय में 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के 900 विद्यार्थियों में से 700 विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन करवाया गया है। सभी विद्यार्थियों ने फर्स्ट डोज लगवा ली है। सभी विद्यार्थी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं आज ये संदेश देना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को बहुत जल्दी ही अपने वैक्सीनेशन जो है कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिससे पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं आए। हमारे यहाँ भी जो विद्यार्थी शेष रह गए हैं उनको सोमवार को